सेफ्टी एंड फायर। ये हमारा ट्रेनिंग का पहला वीडियो है, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो में हम सेफ्टी एंड फायर ये क्या है हम देख लेंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस, तो ये पूरा हम इसका इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस पूरा हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए हमको सेफ्टी और फायर क्या होता है। यहाँ पे सेफ्टी और फायर ये होता है कि सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, सेफ्टी, एंड फायर यानी कि फायर से जो एक्सीडेंट्स जो होते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेगा, सेफ्टी एंड फायर। तो ये समझने के लिए हमारे जो एवरीडे लाइफ यानी कि जो डेली लाइफ में हम ये पॉइंट्स कहाँ पे देखते हैं। तो सोच लो अगर हमारे पे घर पे है, तो यहाँ पे होता है एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो हाईली रिस्क होता है। तो इसका हम जो रेगुलेटर्स होता है, पाइपलाइन एंड इसका जो यूजिंग कंडीशंस, ये हम सेफली यूज़ करते हैं ताकि हमें पता अगर इसका कुछ हम अगर ये गलत इस्तेमाल हो जाएगा, अगर इम्प्रॉपर हम हैंडल करेंगे तो क्या होता, फायर एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो दैट विल रिजल्ट इन टू फायर एक्सीडेंट्स। तो एलपीजी एक एग्जाम्पल है। दूसरा होता है ओल्ड वायरिंग, हमारे जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स होता है घर पे, तो उसके लिए जो लाइन्स होता है ये, अगर इसका एक टाइम लिमिट होता है, अगर ये वायर ओल्ड बन जाता है तो इसका जो इंसुलेटर्स होता है ये डैमेज हो जाएगा, जो शॉर्ट सर्किट के लिए रिजल्ट कर सकता है। तो अगेन ड्यू टू सेफ्टी रीजन, सेफ्टी रीजन के कारण से वापस क्या हो रहा है, फायर एक्सीडेंट्स होते हैं। और सेफ्टी एंड फायर ये दोनों भी एक साथ जाता है क्योंकि सेफ्टी में ये पॉइंट है फायर, ठीक है। और फायर एक ऐसा एक चीज़ है जो बहुत बड़ा डिजास्टर या डैमेजेस ला सकता है, ठीक है। तो एवरीडे लाइफ में ये भी एक चीज़ है। और एक एग्जांपल हम देख सकता है कि अगर हम कहाँ पे शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं और वहाँ पे अचानक एक फायर एक्सीडेंट हो रहा है अंदर मॉल के अंदर, तो पहले लोग क्या करते हैं कि सभी लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। आग बहुत हेवीली लग जाता है तो सभी जो सिविलियंस होते हैं ये सभी लोग बाहर निकल जाता है, जो असेंबली पॉइंट होता है या जो इमरजेंसी डोर होता है उससे बाहर निकल जाता है। तो टोटल वहाँ पे इवैक्यूएशन होता है। तो इस टाइम पे आप जब पूरे लोग जब बाहर निकल जाते हैं तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन से कुछ लोग अंदर आता है, ठीक है। कुछ लोग टक्कर देके अंदर आके वो इस फायर एक्सीडेंट को डिफेंड करता है या प्रिवेंट करता है या इनको एक्सटिंग्विश करके पूरा ख़त्म कर देता है। तो वो जो डिपार्टमेंट जो होता है, जब आप बचने के कोशिश से बाहर निकल जाते हैं और वो इन डिज़ास्टर को, इन इमरजेंसी कंडीशन को डिफेंड करने के लिए अंदर आते हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट एंड द फायर डिपार्टमेंट, ठीक है। सेफ्टी एंड फायर डिपार्टमेंट, हमको पता है फायर डिपार्टमेंट, हमने देखा है हर सिटी में एक फायर डिपार्टमेंट होता है, लाइक मुंबई फायर ब्रिगेड, पूना फायर ब्रिगेड, हर स्टेट का फायर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। सेफ्टी डिपार्टमेंट वो होता है जो सेफ्टी का टोटल काम देखता है। अब कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि ये दोनों डिपार्टमेंट कंबाइंड काम करते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड भी काम करते हैं, ठीक है। पर इनका मेन मोटो यही होता है कि इमरजेंसी कंडीशन में प्रिपेयर्डनेस करके प्रॉपर डिफेंड करना, प्रिवेंट करना, यही इनका काम होता है, ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट ये है, अभी हमको एक बेसिक समझ में आया कि डोमेस्टिक लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो अभी हम कमर्शियल लाइफ में देखें, कमर्शियल जो लाइफ होता है लाइक इंडस्ट्रियल एंड हाई रिस्क एनवायरनमेंट, ये क्या होता है। इंडस्ट्रीज हमको पता है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज होता है, एंड हाई रिस्क एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ पे बहुत हाई रिस्क होता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस फील्ड होता है, ठीक है, और हेवी इंडस्ट्रीज होता है, एंड गैस इंडस्ट्रीज होता है, ठीक है, जहाँ पे गैस का मैन्युफैक्चरिंग होता है, लाइक द एलपीजी होता है, बाद में वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लेमेबल गैस होता है। तो ये सभी चीज़ क्या होता है, हाई रिस्क एनवायरनमेंट में आता है, हाई रिस्क जोन या हाई रिस्क एनवायरनमेंट में। तो इन एनवायरनमेंट में जो काम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट्स बहुत हाईली होता है और इसके वजह से पब्लिक को भी कभी इसका नुकसान फेस करना पड़ता है, ठीक है। नॉट ओनली यहाँ पे जो बंदे काम करते हैं पर पब्लिक भी,
कुछ केसेस में ये इफेक्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट यहाँ पे लॉस जो नियम और कानून होता है इसका रेगुलेशन करता है। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर सोचो एक क्रिमिनल एक इंसान को कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो जो विक्टिम जो होता है वो विक्टिम का ही लॉस नहीं होता है, पूरा स्टेट का लॉस होता है, पूरा कंट्री का लॉस होता है। ठीक है, उस क्रिमिनल के जो एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसके वजह से ना सिर्फ उस इंसान को पर वो पूरा कंट्री को उसका नुकसान होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंस ये हमको समझना है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, जो स्टेट होता है, सरकार जो होता है, स्टेट उस केस को कोर्ट पे फाइट करता है और जो लीगल चार्जेस फीस एंड एवरीथिंग ये उस स्टेट ही एक्चुअली ये देखता है। तो हमको ये समझ सकता है कि पब्लिक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ये सभी कंट्री के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। तो ये सेफ्टी एंड फायर डिपार्टमेंट ये पब्लिक का एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है जो गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो हमारे जो गवर्नमेंट है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, तो उसको फॉलो करने के लिए बहुत सारे रूल्स होता है। ये डिपार्टमेंट को इन फायर एंड सेफ्टी को, सेफ्टी एंड फायर को जो लॉस होता है, जो प्रोटेक्ट करता है, जो रेगुलेट करता है, वो है, ये है सेफ्टी रिलेटेड लॉस और ये है फायर रिलेटेड लॉस। तो पहले हम सेफ्टी रिलेटेड लॉस देखेंगे, तो उसमें से पहले जो आता है दैट इज़ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो फैक्ट्रीज में ये रिलेट होता है और इम्प्लीमेंट होता है। देखो वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज होता है जहाँ पे इस पर पूरा लॉस होता है। ठीक है, एंड सेफ्टी जहाँ पे फॉलो करना चाहिए, तो सेफ्टी का जितना भी रेगुलेशंस है वो इन लॉस पे है। तो सेकंड है माइंस एक्ट 1952, जो माइनिंग एरियाज होता है लाइक कोल। ठीक है, वहाँ पे ये एक्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। देखो माइंस एरिया में क्या होता है, एक्सप्लोशंस होते हैं मैक्सिमम केसेस में, तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका सेफ्टी के लिए हम ये एक्ट रिलेट करते हैं एंड यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ द इंडियन बॉयलर्स एक्ट 1923, तो जहाँ पे बॉयलर्स होते हैं वहाँ पे इस एक्ट इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट BOCW एक्ट, ये है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलते हैं वहाँ पे BOCW एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चलता है। सो देखो ये सभी लॉस में एक्चुअली सेफ्टी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर इनका लॉस हम देखेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे टोटली सेफ्टी के लिए जो चीज़ें मेंशनड है सभी कुछ चीज़ इसमें मेंशनड होता है। एंड देन डॉक वर्कर्स एक्ट 1986, ये एक्चुअली जो शिपयार्ड होता है डॉकयार्ड, तो उसके लिए लॉ इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अभी एक बात समझ लो, डॉक वर्कर्स एक्ट 1986 और बाकी के एक्ट में डिफरेंस होता है, क्योंकि BOCW में अगर जो वर्किंग कंडीशंस एंड वर्किंग हावर्स, जितने घंटे हम काम करना चाहिए, ये यहाँ पे अलग होता है और डॉक वर्कर्स 1986 में अलग हो सकता है। अगर सोचो यहाँ पे डॉक वर्कर्स एक्ट में जो वर्किंग कंडीशन है यहाँ पे 12 आवर्स हो सकता है, 12 घंटा काम करना पड़ेगा वर्कर्स को, जहाँ पे BOCW में कभी 8 घंटा हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों वर्किंग कंडीशंस अलग होता है, फैक्ट्रीज एक्ट में भी यहाँ पे अलग होता है। नेक्स्ट इज द EPA 1986, यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट OSH एंड WCC 2020, दैट इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो सेफ्टी एंड हेल्थ को इम्प्लीमेंट करता है टोटल इंडस्ट्रीज में। देन द डेंजरस मशीन्स एक्ट 1983, हमारे हर इंडस्ट्रीज में हम वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज़ करते हैं, तो उनको प्रॉपर सेफ्टी से रखने के लिए एंड यूज़ करने के लिए ये लॉ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ द केमिकल एक्सीडेंट रूल्स 1996, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होता है, जहाँ पे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है,
उनके लिए ये जो लॉ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें भी सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज मेंशनड इन दिस लॉ। नेक्स्ट इज द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। दिस इज अबाउट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में है एंड लायबिलिटी के। ओके, देन इज द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। देखो, मोटर व्हीकल एक्ट में भी टोटली प्रॉपर हमको जो उसमें ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताए कि कैसे व्हीकल्स ऑपरेट करना है, उनका स्पीड लिमिट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है, तो सभी कुछ चीज़ें इस पर मैंशनड होता है। एंड ये हमारे एक्चुअली सेफ्टी के लिए प्रोवाइडेड होता है। एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सिर्फ पब्लिक रोड पे नहीं, एट द सेम टाइम जो प्राइवेट एरिया होता है वहाँ पे भी अगर देखोगे इंडस्ट्रीज में ह्यूज अमाउंट ऑफ रोड भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट इज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994। देखो, एयरपोर्ट हमको पता है दैट इज़ अ वेरी हाई रिस्क जोन एंड वहाँ पे जो ऑथोराइज पर्सन का ही एंट्रीज होता है, तो यहाँ पे भी सेफ्टी फॉलो होता है। जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें भी फॉलो होता है, रनवेज में भी सेफ्टी फॉलो होता है, टोटल वो जो एरिया पे सेफ्टी का फॉलो होता है, ठीक है। सो ये सभी जो लॉस है ये बेसिक लॉस है, इसके अलावा और बहुत सारे लॉस एंड नियम और कानून होता है, तो ये सभी हमको इसमें समझ सकता है कि हर सेक्टर में सेफ्टी का इम्पोर्टेंस समझ सकता है। जो कमर्शियल सेक्टर्स है, जैसे हमने बात किया इंडस्ट्रियल एंड हाई रिस्क एनवायरनमेंट, इन कमर्शियल जोन्स में ये सभी लॉस हमको समझना है और वैसे ही हमको इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट विल प्रोवाइड अ गुड सेफ्टी। इसके इससे क्या होता है, सेफ्टी का एक अच्छा एक प्रैक्टिस होता है और पब्लिक को एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को और सभी को इसका इम्पोर्टेंस एंड फायदा मिलता है। अब हम देखेंगे फायर रिलेटेड लॉस, तो इसमें पहला आता है बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, NBC। हमें पता है अगर हम बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स में हम जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक लाल कलर का एक दरवाज़ा होता है जो हम नॉर्मली बेसिक देखा होगा। एट द सेम टाइम ऊपर से एक फायर लाइन पासिंग होता है, जो एक लाल कलर का एक पाइप होता है, उसको हम फायर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या होता है, ये NBC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार ये सभी कुछ चीज़ें फॉलो होता है। अगर कोई एक्सीडेंट एक हो रहा है, एक बड़े वेरी हाई राइज बिल्डिंग में एक एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहाँ से कैसे लोगों को सेफ बाहर जा सकता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया लाया है। देखो, 9/11 जो अमेरिका में जो इंसिडेंट हुआ था, तो इस पर क्या हुआ, टेररिस्ट ने फ्लाइट ये बिल्डिंग्स को कोलैप्स किया था, तो उस टाइम क्या हुआ, बिल्डिंग टोटली फायर एक्सीडेंट भी हुआ, एट द सेम टाइम बिल्डिंग कोलैप्स भी हो गए, तो इस पे बहुत सारे लोगों को इसमें फंस गए, एक्चुअली ये बिल्डिंग के अंदर ही वो ट्रैप हो गए, तो उनको बाहर निकालने के लिए जो फायर फाइटिंग टीम थे, सेफ्टी का टीम था, उन्होंने बहुत ट्राई किया, ठीक है, एंड दे ट्राइड टू द मैक्सिमम, उन्होंने बहुत ट्राई किया, तो उसके बाद उन्होंने उन लोगों को एस्केप किया, ठीक है, वहाँ से इवैक्यूएट किया। तो गवर्नमेंट ये समझता है कि अगर ऐसे कुछ कंडीशन आ रहे हैं, फायर एक्सीडेंट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस, इवैक्यूएशन प्लान भी प्रॉपर होना चाहिए। सो उसको सपोर्ट देने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड जो होता है दैट इज़ अ पेट्रोलियम एक्ट 1934। पेट्रोलियम स्टोरेज करना और इनके जो सेफ्टी कैसे फॉलो करना, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग, ये सभी कुछ चीज़ें इस पर होता है। एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। देखो, एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हमने जैसे बोला था माइन एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ में एक्सप्लोशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये फायर एक्सीडेंट्स भी कभी कभी इसका होता है, तो ये हमको प्रॉपरली मेंटेन करना है। एक्सप्लोजिव्स सिर्फ माइन का ही नहीं होता है, हमारे जो दिवाली में जो फटाके जो हम एक्सप्लोशन करता है, तो इसका जो हैंडलिंग जो होता है, केमिकल्स जो होता है, उसका भी कैसे स्टोरेज करना है, एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या हम सेफ्टी एज वेल एज फायर प्रिकॉशंस फॉलो करना है, ये चीज़ें भी इस पर इंक्लूडेड होता है। ओके, देन इज द गैस सिलेंडर रूल्स 2004। हमें पता है हमारे हर किसी के घर पे गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल होता है, आजकल पाइपलाइंस हैं, थोड़ा सा सेफर है वर्जन है, एट द सेम टाइम फिर भी मोस्टली लोग आज भी गैस सिलेंडर्स ही इस्तेमाल कर रहा है,
उसमें भी आता है लाइक डोमेस्टिक एट द सेम टाइम कमर्शियल, ठीक है, लाल कलर का भी सिलेंडर होता है, एट द सेम टाइम ब्लू कलर का भी सिलेंडर होता है, और कुछ कुछ सिलेंडर्स होते हैं लाइक एसिटिलीन गैस जो हम कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैस कटिंग के लिए, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है। सो गैस सिलेंडर रूल्स, ये स्टोरेज एट द सेम टाइम, इसका हैंडलिंग कंडीशंस, इसका जो टेम्परेचर, ये सभी इसका रेगुलेट करता है, ठीक है। देन इज द फायर सर्विस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फायर सर्विस एक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फायर फाइटिंग टीम, फायर डिपार्टमेंट। बाद में आता है फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स एक्ट। देखो हर स्टेट का, हर राज्य का उनका फायर रूल्स होता है, फायर प्रिवेंशन रूल्स होता है। जैसे केरला का स्टेट रहेगा तो उनका अलग होता है, गुजरात का अलग होता है। ये क्यों होता है कि उनके स्टेट पे जितना फायर एक्सीडेंट्स होते हैं या फायर केसेस होता है उसके अनुसार उन्होंने उनका लॉस बनाया है और वो वैसे इम्प्लीमेंटेड है। बाद में आता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। हमारे सभी के घर पे इलेक्ट्रिसिटी होता है तो ये रेगुलेट करने के लिए माइट बी इनका वोल्टेज लाइक थ्री फेज, बाद में होता है डोमेस्टिक, ये सब इनको रेगुलेट करने के लिए ये होता है। एंड हमको, हमें पता है ट्रांसफॉर्मर्स में मोस्टली आग लग जाता है तो क्या एक्टिविटीज़ हमको फॉलो करना चाहिए, ये इस लॉज में होता है। बाद में आता है सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। मोस्ट ऑफ द पीपल सिनेमास देखने के लिए हम थिएटर्स में जाता है तो वहाँ पे क्या फायर प्रिवेंशन के लिए जो लाइक एक्टिविटीज़ होना चाहिए जो लोगों को सेफ रखता है, तो उसका लॉ यहाँ पे फॉलो होता है, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। देखो ये जो दोनों लॉस है, सेफ्टी रिलेटेड लॉस, ये इसके लिए होता है कि जितने भी कमर्शियल सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज है इन्हें सेफ रखना, एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सेफ रखना, एट द सेम टाइम इसके वजह से पब्लिक को भी कोई नुकसान ना हो, ये सभी फॉलो, ये तीन चीज़ फॉलो करके ये पूरा लॉस होता है, सेफ्टी एट द सेम टाइम फायर रिलेटेड लॉस। ओके, तो ये हमने अभी बेसिक समझ लिया। अब इसका थोड़ा सा एडवांस समझने के लिए हमको, या एक बेसिक लाइव रियल एग्जांपल्स, ठीक है, रियल एग्जांपल्स क्या होता है, जो एक्सीडेंट हो चुका है उससे हम उस एग्जांपल को समझना, ताकि हमको प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि सेफ्टी और फायर का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, सेफ्टी और फायर क्यों फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट के रूल्स है जो पब्लिक को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, एट द सेम टाइम हमारे कंट्री को, इसका जो लाइक ग्रोथ होता है ये फॉलो करने से, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो इसका वापस लायबिलिटी गवर्नमेंट को ही होता है, नुकसान गवर्नमेंट को ही होता है। तो जैसे ये पूरा सेफ्टी और फायर का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, तो इसका ग्रोथ हमारे कंट्री के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया, तो गवर्नमेंट के जो लॉस है फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस, जिसका इम्पोर्टेंस हमें और डीपली समझने के लिए दो केसेस है जो एक्चुअल रियल लाइफ में हुआ है, दैट इज द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। जो सेफ्टी के कंसर्न हम देखेंगे, ठीक है, सेफ्टी में ये एक्सीडेंट हम देखेंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, और जो फायर रिलेटेड में हम देखेंगे विक्टोरिया डॉकयार्ड एक्सप्लोजन 1944, या मुंबई डॉक एक्सप्लोजन हम बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो इससे हमको प्रॉपर समझ में आएगा या आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में सेफ्टी और फायर क्या होता है और उसके जो इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम दोनों एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। सो ये वीडियो हम वाइंड अप कर रहे हैं, सो द ट्रेनिंग T1 वीडियो इज नाउ फिनिशिंग, थैंक यू।